शराबबंदी कानून को समझने और देखने के लिए छत्तीसगढ़ से 17 लोगों की टीम बिहार पहुंच चुकी है। सर ये बताइए कि आप लोग पर्पस क्या है, क्यों आए हैं? ये अध्ययन के देश में जहाँ जहाँ शराबबंदी हुई है उसकी सफलता के तरीके क्या हैं और कैसे उन्होंने सफल किया इसको, शराबबंदी को जानने के लिए आए हैं। कहाँ कहाँ आप लोग घूमेंगे? यहाँ हम लोग कई आज हम डिपार्टमेंट विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, कल हम वैशाली गए थे, वहाँ भी कुछ लोगों से बातचीत की है। मैं ये समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का प्रयास काफ़ी मजबूत प्रयास है और इसकी सफलता का राज मुख्यमंत्री जी का चिंतन और मुख्यमंत्री जी की सोच है, इसलिए हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और कोशिश। हमारे राज्य में कुछ दिक्कतें हैं, बहुतायत आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पेशा कानून लागू है, वहाँ एक्ट के अनुसार जो अधिकार दिए गए आदिवासियों को, उनकी कल्चर से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हम, ये हमारी और जन जागरण करके सभी पार्टियों के सहयोग से नशाबंदी होती है, वहाँ कामयाबी मिलती है। लेकिन क्या समझा जाए, आपके राज्य में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव के पहले कुछ ऐसी घोषणा हो सकती है कि राज्य में शराबबंदी कानून? तो वातावरण बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और सब जन जागरण करके लोगों को समझाइश दे करके इस सामाजिक बुराई से लोग दूर हटें इसकी कोशिश की जा रही है। कई पेचीदगियाँ हैं, कानूनी अड़चने हैं, पेशा कानून जैसे मैंने आपको बताया, आदिवासी क्षेत्र में 5 लीटर तक आदिवासी को शराब बनाने रखने का अधिकार है, उपयोग करने का अधिकार है, वो एक एक्ट का प्रोविजन है, उस एक्ट से क्या रास्ता निकल सकता है इसकी चिंतन चल रहा है और इस कई जहाँ जहाँ शराबबंदी हुई है वहाँ हम लोग जाकर के उसका अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी बात, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ शराबबंदी हुई बाद में फिर चालू कर दी गई, तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि सब बातों को, तथ्यों को जाने, वहाँ की जनता क्या महसूस करती है, क्या तरीके हैं इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद निर्णय दिया जाएगा। हम लोग 8 विधायक हैं जो शराबबंदी के बिहार के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसका अध्ययन करने के लिए आए हैं। 3 समितियाँ हमारे प्रदेश में बनी हुई हैं शराब से संबंधित, उसमें से एक समिति विधायकों की है जो आज यहाँ आई हुई है और माननीय नीतीश कुमार जी से और यहाँ के मध्य निषेध जो मंत्री हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है और काफ़ी सार्थक और उपयोगी जानकारी लेकर के हम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आम लोगों से हम लोग लगातार मिलते जा रहे हैं, कल भी हम 2 जेलों में गए थे और जिस तरह के आम लोगों के बीच में, चूँकि होली का दूसरा दिन था तो लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ वैध रूप से तो शराब बंद हो गई है, क्या पूर्णतः शराब बंद है उसके बारे में जानकारी हम लोगों से जिस तरह से घूम रहे हैं। आज ज़रूर ये शासकीय बैठक थी। अब छत्तीसगढ़ पहुँचेंगे और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे? रिपोर्ट तो अभी नहीं बन पाएगी क्योंकि ये दूसरा दौरा है, पहला दौरा गुजरात का हुआ था और ये दूसरा दौरा है, तो इतनी जल्दी रिपोर्ट बन पाना संभव नहीं है। और भी दौरे इससे पूर्व की जो सरकार थी उनके भी प्रतिवेदन शासन के पास हैं, तो दोनों प्रतिवेदनों का, दोनों अध्ययनों का मिला करके और फिर ब्यौरा दिया जाए। शराबबंदी का प्रभाव क्या है? सबसे बड़ी बात है कि 17 लोगों की टीम जो है उसमें कुछ विधायक भी हैं और कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, वो इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है तो इसका कितना प्रभाव जो है वह लोगों पर पड़ रहा है और लोग शराबबंदी में कैसा महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।